प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सबके समक्ष जो है पार्ट 16 प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। स्पीड SPEED स्पीड इक्वल टू बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम DISTANCE डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंप्लाइज दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम या बच्चों टाइम इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड DISTANCE अपॉन स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन फर्स्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका सलूशन होगा। सलूशन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन भी हम लिख करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म Let the uniform speed of the train be x kilometer per hour. ठीक है, so time taken, low time taken to cover, time taken to cover 360 kilometer equal to 360 by x, ठीक है, hour. Understood this topic? Yes sir. आप प्रिय बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। एंड अब यहां लिखेंगे एंड टाइम टेकन टू कवर थ्री 60 किलोमीटर वेन द स्पीड इज इंक्रीज
इंक्रीज एज 5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 360 upon x plus 5 hour। इतना नोट कीजिए बच्चों। लिया yes, अब इसके बाद होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ACORDING अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन QUESTION अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना टाइम 1 आवर लेस 1 यहाँ पर होगा ठीक है। अब 360 इसमें बच्चों क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1 अगले स्टेप में 360 इम्प्लाइज दैट implies that 360 हमने कॉमन लिया एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 अब बच्चों x से x कैंसिल आउट x प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 कैंसिल आउट x का 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 implies that 360 माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट 5 और इसका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 बाई 1 क्लियर। अगला स्टेप अब फिर हम यहाँ लिखते हैं 360 का जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आएगा ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 बाई 1 इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया यस सर। इधर बिठा दें यस सर। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800 क्लियर। अब इसके बाद इसका फैक्ट इम्प्लाइज दैट ये होगा अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इसका ट्रांसपोज किया 1800 का लेफ्ट हैंड साइड 0 0 इक्वल टू 0 क्लियर यस सर। अब 1800 का जो है फैक्टर कीजिए इसका फैक्टर करेंगे ये देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो बच्चों फैक्टर क्या बनेगा 45 into 40 ठीक है yes, sir. 45 into 40 ये फैक्टर बनेगा 5 का डिफरेंस लाना है एंड 5 इक्वल टू कैसे आएगा एंड 5 इक्वल टू 45 माइनस 40 क्लियर yes, ये इतना आपका रफ है क्लियर yes, sir. अब यहाँ पर इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर 5 के स्थान पर लिखेंगे 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 फिर 0 इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 45
एक्स माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू जीरो। ये बच्चों फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 45, सेकेंड ग्रुप में माइनस 40 कॉमन लेंगे x प्लस 45 होगा इक्वल टू जीरो। और अगेन हम x प्लस 45 कॉमन लेंगे फिर आएगा x माइनस 40 जीरो। ठीक है, इफ x प्लस 45 इक्वल टू जीरो, इफ x प्लस 45 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू माइनस 45। ये नेगेटिव वैल्यू आई है, क्या ये है? नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पे क्या है, सिंस लिखेंगे ये, सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव x की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि ट्रेन की चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इतना नोट कीजिए बच्चों, नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। अब यहाँ पे हम आंसर लिख दे रहे हैं, ओरिजिनल ORIGINAL ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन एक मिनट। ठीक है, अभी और सॉल्व करना, ध्यान ही नहीं दिया। देखो बच्चों, कितना नोट कर लिया? यस सर। एंड इफ x माइनस 40 इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 40। ठीक है, ये आया। अब लिखेंगे हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बता दे क्वेश्चन सेकेंड, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर
would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है. यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर पर हावर अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है. तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए. यह है क्वेश्चन नंबर 2. क्लियर बच्चों? यस सर. इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लेट कर देंगे सलूशन. लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 1 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? अब इसके बाद इसमें कह रहा है इफ द स्पीड वेयर 5 किलोमीटर आवर मोर. इसकी मीनिंग हो गई then the increase speed of the train इक्वल टू हो जाएगा s+5 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? ये बच्चों कैसे निकला? बाई गिवेन कंडीशन. तो डिस्टेंस कितना गिवेन है? distance डिस्टेंस आपका है 300 किलोमीटर. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 360 किलोमीटर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम टाइम निकालेंगे. क्या निकालेंगे? टाइम जानते हो ना? टाइम इक्वल टू क्या होता है? t = dy/ds. क्या निकालेंगे? t = dy/ds. ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर है ना. ओरिजिनल स्पीड हमने कितना लेट किया है? यस, ये आ जाएगा 300. कितना डिस्टेंस है टोटल? 360 है बच्चों. कितना है? 360. ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको सही कर लिया. तो डिस्टेंस हमारा बच्चों 360 है. कितना है? 360. ये हो जाएगा 360 स्पीड हमने इंक्रीज हो गई थी, है ना. तो x+5 यहाँ लिख देंगे. x+5 = कितना मिनट लगता है? टाइम टेकन 48 मिनट. देखो पहले बच्चों हम 48 मिनट को हावर में कन्वर्ट करते हैं. 48 ये मिनट है. 48 क्या है बच्चों? ये मिनट है. हावर में कन्वर्ट करना है. 48/60 ये क्या हो गया? हावर. ठीक, अब इसको सरल कर लीजिए.
बारह पंचे साठ, बारह चौक अड़तालीस, है ना। दिया गया 4/5 आवर, क्या आएगा 4/5 आवर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 4/5 आवर, इतना क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। इसको भी मिटा दें। अब देखिए बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो ही गया है। अब इसमें 360 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 360 बच्चों कॉमन लेंगे, यह आएगा 1/x - 1/x + 5 = 4/5, ये 4/5 आ गया। अब 360 इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट 360। अब इसमें एलसीएम लेंगे, x + 5, ठीक है, x कैंसिल आउट, x + 5 कॉमन से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा x + 5। सिमिलरली x + 5 से x + 5 कैंसिल आउट, x का वन से क्या होगा मल्टीप्लाई, -x आ जाएगा = 4/5। -x से +x कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ बच्चों 360। अब ब्रैकेट में यहाँ पर बचा 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये बच्चों आ जाएगा x² + 5x = 4/5, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 360 में कर देंगे, ठीक है, 360 में करेंगे कितना आएगा 1800, ये जो आएगा 1800 अपान x² + 5x = 4/5। अब क्या करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्या करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे, लिख दे क्या, लिख देते हैं बाई क्रॉस, बाई क्रॉस प्रोडक्ट PROD UCT, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट इंप्लाइज दैट 4x² + 5x = 5 × 1800। क्लियर? यस सर। फिर बच्चों यहां पर हम कर देंगे इंप्लाइज दैट x² + 5x = 5 × 1800/4, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16 है, यह कितना है 450, ये जो आएगा कितना, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कितना, नोट कर लीजिए, इधर का बता दे। Implies that x² + 5x, ठीक है, × 5 × 4/5 0 implies that x² + 5x, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 = 25 फासिल आया तो 5 × 20 = 20 = 22, यानी 2250 कितना आया 2250, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, x² + 5x - 2 2 5 0 = 0, ठीक।
अब बात आती है 2250 का फैक्टर करना, क्या 2250 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 15 और 45 का फैक्टर बनेगा, 15 to 45 है ना। एंड हमें क्या लाना है, एंड मिडिल टर्म क्या है 5, मिडिल टर्म कैसे आएगा जब 50 में 45 को लेस कर देंगे, ठीक है, जब 50 में 45 को लेस करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 50 माइनस 45 एक्स माइनस 2250 इक्वल टू 0, क्लियर। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बच्चों हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया x प्लस 50, ठीक है। इसमें 45 कॉमन लिया क्या आया, x प्लस 50 इक्वल टू 0। अगेन हम क्या करेंगे, x प्लस 50 को पुनः कॉमन लेंगे क्या आएगा, x माइनस 45 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 50 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 50, x इक्वल टू क्या आया माइनस 50, x इक्वल टू माइनस 50, ठीक है। यस इक्वल टू माइनस 50 क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। वेज यहां पे लिखेंगे, वेज इज नॉट पॉसिबल, वेज इज नॉट पॉसिबल, वेज इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन क्या, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। नोट कर लिया, फिर आगे बढ़े। कितना मिटा देते हैं बच्चों, क्या करेंगे, एंड इट, ठीक है। क्या है, एक्स माइनस 45 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 45। अब क्या आ गया बच्चों, हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल आया, हेंस द ओरिजिनल ORIGINAL, हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर हावर। ये हो गया बच्चों आंसर, क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए तब मिटाएं, मिटा दें। यस
क्वेश्चन नंबर थ्री। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक मोटर बोट जिसका शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में और फिर वापस आने में कुल 3 घंटा 45 मिनट समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ये बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इसका सलूशन होगा। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी यस लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी यस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें जो जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ द मोटर बोट, स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउन स्ट्रीम पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। पहले क्या निकाल लेते बच्चों, इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर, यही तो है। यस सर। आप निकालेंगे इसके बाद स्पीड ऑफ ए मोटर बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ए मोटर बोट डाउन स्ट्रीम यानी 9+ क्या हो जाएगा बच्चों, यस डाउन स्ट्रीम मतलब हुआ धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, ये आ गया किलोमीटर पर आवर जाएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ए मोटर बोट अप स्ट्रीम
यानी धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल, यह आ जाएगा 9-x किलोमीटर पर। क्लियर? पहले समझ लो बच्चों, पहले हम क्या नोट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। दूसरा लेट किए हैं स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में मोटर बोट की चाल 9 किलोमीटर पर आवर। तीसरा स्पीड ऑफ ए मोटर बोट डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, धारा की दिशा में ऐड हो जाता है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। स्पीड ऑफ ए मोटर बोट अप स्ट्रीम इक्वल टू 9-x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और निकालेंगे टाइम टेकन टू गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम ये बच्चों हो जाएगा 15 upon 9-x hour। ठीक है? हम निकालेंगे टाइम टेकन टू रिटर्न। टाइम टेकन टू रिटर्न 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्या आ जाएगा 15/9+x hour। क्लियर? ठीक है, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है, सॉरी अप स्ट्रीम है, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लगा समय 15/9-x hour। यह है टाइम टेकन टू रिटर्न 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में लगा समय 15/9+x hour हो जाएगा। कितना बच्चों नोट कर लो, नोट कर लिया? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है, अब ये हो जाएगा 15/9-x फिर प्लस 15/9+x इक्वल टू 3 hours 45 minutes। ये है, इसको हम लिख सकते हैं 3/45/60। अभी बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गया? आवर्स में, ठीक है।
अब इसको इसमें 15 कॉमन ले लेंगे, 15 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 9 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 3 होल नंबर 3/4 होगा। इतना क्लियर? अब ये 15 हुआ, इसका एलसीएम लेंगे 9 माइनस एक्स और ये 9 प्लस एक्स आएगा, क्लियर? अब इसमें 9 माइनस एक्स से 9 मल्टीप्लाई होगा, ये बच्चों हो जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस, अब इससे ये कैंसिल आउट, ये हो गया 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 3 4 12 3 4 4 3 12 12 3 15 15 by 4, क्लियर? इतना आवर्त आ गया। अब देखिए थोड़ा, अब यहाँ पर इस 15 से और ये 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें माइनस x से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 9 9 मिलकर के कितना हो गया बच्चों, 18 बाई, और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, क्लियर? इतना नोट कीजिए। और कर लिया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. इधर मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक? अब ये बच्चों क्या होगा, इसको और सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट 18 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, क्लियर? अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, ये बच्चों आएगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 18, ये 81 है, 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 18, ये आएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 72, इतना क्लियर? फिर इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर 72, अब इसमें 81 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, माइनस 81 इंप्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 81 में 72 निकलेगा, कितना आएगा माइनस 9, माइनस 9 की साइन आए, है ना, माइनस से माइनस क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू √9 इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, इतना क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। कर लिया? यस सर। इधर मिटा देते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आया है, प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है, इसका हम रीजन देंगे सेंस, सेंस स्पीड, सेंस स्पीड कैन नॉट बी
कैन नॉट बी निगेटिव एन ई जी ए टी आई स्पीड सिंस स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव देयरफॉर x इक्वल टू 3 है ना। अब ये आ गया 10 द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लीजिए, बता दें। यस सर। क्वेश्चन 4 द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसकी हिंदी होगी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका सलूशन होगा, पहले इसमें हम रीड करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल कितना गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, ये भी लिखेंगे स्पीड ऑफ ए बोट, दूसरा स्पीड ऑफ ए बोट, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ये गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर, यही कह रहा है शांत जल में स्टिल वाटर में शांत जल में नाव की चाल। क्लियर? यस सर। अब निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव स्पीड ऑफ द बोट
स्पीड ऑफ द बोट इन बोट अप स्ट्रीम निकालें, अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में नाव की सॉरी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 15 में से x लेस हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों? यस सर। अब इसके बाद निकालेंगे स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम इसकी मीनिंग हुई धारा की दिशा में स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में नाव की चाल इसमें प्लस हो जाएगा 15 प्लस लेस धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस हो जाती है। अगर डाउन स्ट्रीम है 15 प्लस होगा, अगर अप स्ट्रीम है तो 15 माइनस यस होगा। कहने का मतलब यह है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 15 माइनस यस, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 प्लस यस। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया? बाकी अब हम यहां पे बताते हैं। टाइम अब हम निकालेंगे टाइम, देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी समय। समय इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चार्ज। ठीक है, अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम टाइम टेकन टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी हो जाएगा 30/15 माइनस यस 15 माइनस यस कितना हावर लगा। अब निकालेंगे टाइम टेकन टू रिटर्न वापिस आने में RETURN रिटर्न 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा बच्चों 30 अपॉन डाउन स्ट्रीम यानी 15 प्लस यक्स। यहां पर 15 प्लस यक्स लिख देंगे कितना आवर। क्लियर? यानी यह है धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय 30/15 माइनस यस आवर, और यह है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर वापिस आने में लगा समय 30/15 प्लस यस। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? यस सर। मिटा दें? यस सर।
अब इसको हम मिटा दें, फिर आगे सॉल्व करेंगे। According to the given condition, A double C O R D, according to the given information, according to the given information, ठीक है? यानी धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय 30/15 माइनस यस प्लस धारा की दिशा में जाने में लगा समय 30/15 प्लस 15 प्लस यस इक्वल टू कितना समय लगा है 4 आवर 30 मिनट यानी 4 होल नंबर 1/2। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे 30 कॉमन ले लेंगे 30 कॉमन ले लिया 1/15 माइनस x फिर प्लस 1/15 प्लस x यानी ये जो समय है जाने आने में लगा टोटल समय है ठीक है समझ आ रहा है टोटल टाइम टेकन ये गिवन है अब इसको सॉल्व करेंगे 4 2 8 8 प्लस 9 9/2 कितना क्लियर अब इसको बच्चों और सॉल्व करते हैं ये हुआ 30 इसका एलसीएम लेंगे ये आएगा 15 माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में 15 प्लस एक्स अब 15 प्लस माइनस एक्स को डिवाइड करेंगे 15 प्लस एक्स बचेगा 15 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आएगा 15 प्लस एक्स ठीक है सिमिलरली इसका इससे डिवाइड करेंगे 15 माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2 क्लियर बच्चों अब इसमें प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट कैंसिल हो गया फिर अगले स्टेप में 30/15 ऐड होकर के 30 हो जाएगा 30 ए माइनस बी ए प्लस बी ये बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9/2 इतना नोट कर लीजिए नोट कर लिया yes, ये इम्प्लाइज है आगे बढ़े yes, अब इसमें 30 और 30 का मल्टीप्लाई हो जाए कितना हुआ 9 9 0 0 5 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2 अब इसको डिवाइड कर दीजिए 9 9 100 अगले स्टेप में आएगा 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इतना क्लियर बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट वी है ना बच्चों अब यहां पर आएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 × 100 implies that 225
माइनस एक्स स्क्वायर 2 to 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 आया। आप यूटिलाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर और इसका ट्रांसपोज करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 2 to 5। ठीक है, इम्प्लाई दैट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 25 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू 225। इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। इतना नोट कर लीजिए। मिटा दें सर। सिंस स्पीड नकारात्मक नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, देयरफोर x इक्वल टू 5, दस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चों आंसर होगा। इसको लगा लीजिए। लगा लिया? Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आने वाले पार्ट में अभी हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको आपके समझ में आया होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।